जम्मू कश्मीर में एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर सोमवार यानी कि 3 अक्टूबर की आधी रात को जम्मू कश्मीर के डीजी हेमंत लोहिया की उन्हीं के घर में गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। ये आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस वारदात के बाद हेमंत लोहिया का नौकर भी फरार है। आइए आपको बताते हैं कि इस हत्या को अंजाम कैसे दिया गया है। दरअसल हेमंत कुमार लोहिया नवरात्र के सिलसिले में श्रीनगर से जम्मू आए थे। उनके घर पर कुछ मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए वो और उनका पूरा परिवार राजीव खजूरिया के घर पर रुका हुआ था। रात को पूरा परिवार डिनर कर रहा था, तभी ग्राउंड फ्लोर पर बेडरूम में हेमंत लोहिया और उनका नौकर गए। हेमंत कुमार लोहिया अक्सर रात में अपने पैरों में तेल लगाते थे। जब हेमंत अपने बेडरूम में अपने नौकर यासीर के साथ पहुंचे, तो वहां पहुंचते ही नौकर ने पहले दरवाजा बंद कर दिया और फिर इस हत्या को अंजाम दिया। इस हत्या को अंजाम देने के बाद वो दूसरे दरवाजे से वहां से फरार हो गया। फौरन इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो लोहिया का गला रेता हुआ था। वारदात की जगह को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये हत्या संदिग्ध है। इसके बाद पुलिस ने लोहिया के घर पर फॉरेंसिक वालों को बुलाया। जांच में पुलिस ने लोहिया के कमरे से टूटी हुई बोतल भी बरामद की है। इस जघन्य हत्याकांड के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गया है। दिल्ली तक इसका असर दिख रहा है, क्योंकि खुफिया एजेंसी भी अलर्ट हो गई है। तो वहीं लोहिया के फरार नौकर की तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि डीजी हेमंत लोहिया पर हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है, जो कि पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का ही बदला हुआ रूप है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद आतंकी संगठन PAFF का नाम सामने आया था। PAFF आतंकी समूह अंसार गजवत उल हिंद के मारे गए कमांडर जाकिर मूसा से प्रेरित है, जो वैश्विक आतंकी समूह अलकायदा के लिए वफादार माना जाता है। इससे पहले भी PAFF कई हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है, लेकिन हेमंत लोहिया की हत्या जैसी इतनी बड़ी वारदात का होना कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवाल उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट।